मेरा नाम डॉक्टर रूपाली है, मैं एक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं अरिहंत हॉस्पिटल में न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट के पद पर काम करती हूँ। मैं आज आप सभी लोगों को ड्रग अब्यूज़ की बारे में बताना चाहती हूँ। पिछले कुछ सालों में काफ़ी खबरें सुनी होंगी जो मशहूर लोगों के ड्रग्स के इस्तेमाल से जुड़ी हुई है। आप शायद सोचते होंगे कि ये सिर्फ ड्रग अब्यूज़ बड़े शहरों में या बड़े लोगों के बीच में प्रचलित है, पर ऐसा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में 2,26,00,000 लोग इस नशे के संघर्ष से लड़ रहे हैं और इस नशे का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये ड्रग अब्यूज़ यानी या फिर ड्रग्स का दुरुपयोग करना क्या होता है? तो नशे का दुरुपयोग करना मतलब कि जब इंसान लगातार वो नशा करता रहता है और उसके रोज़ की ज़िंदगी में काफ़ी सारे चेंजेस या बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जैसे कि शराब का सेवन करना, मतलब अल्कोहल लेना, चरस लेना यानी कि जिसको हम कैनाबिस बोलते हैं, भांग, गांजा, सुल्फा, वो भी एक कैनाबिस के ही कुछ हिस्सों में शामिल हुआ जाता है, और ड्रग्स जैसे कि स्मैक यानी कि उसको हम ओपियोइड्स बोलते हैं, कुछ नशीली सोने की दवाइयां जिसको हम बेंजोडाइजेपिन्स अब्यूज़ बोलते हैं। तो ये सारे ही ड्रग्स किसी ना किसी तरीके से नशे में शामिल है और ये इंसान के 3 भागों में इसका विनाश करते हैं। तो पहला हो गया कि जब उनके शारीरिक चीज़ों को में शामिल हो जाते हैं या फिर सामाजिक रूप से बदलाव लाना शुरू करते हैं या फिर लोगों के व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो जाता है। लोग ड्रग्स यानी कि नशे में इतना घुस जाते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि उनके रिश्ते कितने बिगड़ रहे हैं, उनके अंदर कितने सारे चेंजेस पाए जा रहे हैं। लोग ऐसे ड्रग्स लेना शुरू करते हैं अपने मन में एक पॉजिटिव या एक अच्छी फीलिंग लाने के लिए, लेकिन उन लोग को ये नहीं समझ में आता कि उनके जो बाहरी रिश्ते हैं वो उनमें बदलाव आ रहा है और वो बिगड़ रहा है। साथ ही साथ जो उनके रोज़ की ज़िंदगी होती है उसमें भी बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। ड्रग अब्यूज़ या मतलब कि जो नशे का जो सेवन हो रहा है, इसके 2 पैटर्न या 2 प्रतिक्रिया होती है। एक होता है ड्रग डिपेंडेंस यानी कि उस नशे के पदार्थ पर निर्भरता पैदा हो जाना, मतलब कि उस नशे का सेवन रोज़ करना, क्योंकि उसके बगैर या उसके बिना रोज़ के काम हो ही नहीं पाएंगे। और एक दूसरा होता है ड्रग टॉलरेंस यानी कि ड्रग की सहनशीलता। इसमें क्या होता है कि इसमें इंसान को या जो नशे का सेवन कर रहा है वो पहले कुछ स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा नशा करता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो नशे का अमाउंट बढ़ता रहता है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये ड्रग टॉलरेंस पे जा रहा है। ये जो नशे के पदार्थ हैं ये हमारे दिमाग के एक हिस्सा यानी कि जो न्यूक्लियस अकम्बेंस और एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहलाया जाता है उस पर सबसे ज़्यादा असर करते हैं, जिसके द्वारा जो इंसान की रोज़ की ज़िंदगी होती है वो बिगड़ जाती है, शारीरिक दिक्कतें आती हैं, सामाजिक दिक्कतें आती हैं और सबसे ज़्यादा मानसिक दिक्कतें आती हैं यानी कि मानसिक तनाव में इंसान चला जाता है। तो ये सारे नशे जो हैं ये कहीं ना कहीं दिमाग पर गहरा असर लेकर के आते हैं। देखा ये गया है कि 35% ये हमारे मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, 33% ये हमारे हृदय की बीमारियों को बढ़ाते हैं, 20% हमारे छाती यानी कि फेफड़ों वाली दिक्कतों को बढ़ाया जाता है। ये नशे की चीज़ें जो होती हैं ये शुगर बढ़ा सकती हैं, BP बढ़ा सकती हैं। तो मैं सबसे पहले अल्कोहल के बारे में बताना चाहूँगी। अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन करने से शारीरिक एवं मानसिक दिक्कतें पैदा होती हैं। शारीरिक दिक्कतें जैसे कि लिवर पे असर हो सकता है यानी कि लिवर डैमेज हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, फैटी लिवर हो सकता है,
पैनक्रियाज में पैनक्रेटाइटिस हो सकता है, पेट में स्टमक अल्सर्स हो सकते हैं, गले में इसोफेगस में यानी कि जो हमारे गले की जो नली है उसमें जो खून की पतली पतली नलियां हो सकती हैं वो फट सकती हैं। और अल्कोहल का सेवन करने से हमारे दिमाग पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे कुछ लोग बताते हैं कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, जैसे कि एक मानसिक तनाव में जा रहे हैं, जैसे किसी से बात नहीं करने का मन करना, लोगों के साथ घुलना मिलना कम हो जाना, एकांत में बैठे रहना, छोटी छोटी चीज़ें या आवाज़ें इंसानों की या जानवरों की सुनाई देती है जो किसी और को नहीं सुनाई दे सकती, या उनको दिखाई भी देती है जो दूसरों को नहीं दिखती हैं, डर लगना, शक वहम होना, जैसे लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं या लोग मेरे को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे कई सारी मानसिक दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। अल्कोहल से एक बहुत ज़्यादा खतरनाक दिक्कत भी होता है जिसको हम अल्कोहल डिलीरियम बोलते हैं, जहाँ पे इंसान ज़्यादा मात्रा में जब सेवन करते हैं और जब तुरंत छोड़ते हैं अल्कोहल का सेवन करना, तो फिर वो एक गफलत की हालत में चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, वो एक दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं, लोगों को पहचानना भूल जाते हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आता कि वो उस वक्त कहाँ पर है, क्या समय हो रहा है, या उनके साथ और कौन खड़े हैं, या वो किस जगह पे उस वक्त मौजूद है। तो ये दर्शाया गया है कि शराब के सेवन से दिमाग की मेमोरी यानी कि याददाश्त पे भी बहुत गहरा असर पड़ता है। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि अल्कोहल से कैसे छुटकारा पाएं और उसका किस तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि अल्कोहल के चक्रव्यूह से हम किस तरीके से बाहर निकल सकें। ऐसे और भी कई सारे नशे के पदार्थ हैं, जैसे कि आज के युग में सबसे ज़्यादा नशा ओपियोइड यानी कि स्मैक्स से मिलता है, जो कि ये काफ़ी लोगों में यानी कि जो आज की बढ़ती हुई पीढ़ियां जो 12 साल से लेकर के 30 साल के जो जनरेशन है उसमें काफ़ी लोगों को देखा गया है कि वो स्मैक का सेवन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब स्मैक का सेवन करने से क्या होता है? स्मैक के सेवन करने से भी दिमाग पर असर पड़ता है, रोज़ के कामों में गड़बड़ी आना शुरू हो जाती है, उनके रिश्तेदारों में या फिर उनके परिवार जने काफ़ी लोग इस बात की कंप्लेंट या इस बात की कंप्लेंट करते हैं कि हमारा बेटा बहुत ज़्यादा गलत संगति में पड़ रहा है, उसके ऊपर एक गलत प्रभाव आ रहा है। तो स्मैक लेने से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो एक बोलते हैं विड्रॉल, यानी कि जब इंसान स्मैक लेता रहता है और उसके बाद जैसे ही छोड़ता है तो उसको क्या क्या दिक्कतें महसूस होती हैं। तो सबसे पहले दिक्कत होती है जब शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना, उसके पूरे शरीर में दर्द महसूस होना, आँख से पानी निकलना, नाक से पानी निकलना, एक शरीर जिसको हम बोलते हैं कि शरीर में टूटन आना, तो इसको हम बोलते हैं कि ये ड्रग विड्रॉल फेज़ में चल रहा है। तो उस वक्त मरीज़ को तुरंत हॉस्पिटल में लेकर के आना होता है, प्रॉपर इलाज करना शुरू करना होता है, वरना अगर नहीं स्टार्ट करेंगे तो इंसान और भी गफलत वाली हालत में जा कर के उसको दौरे भी पड़ सकते हैं। तो जैसे मैंने ये बताया कि नशे के सेवन करने से कितनी सारी चीज़ों पे प्रभाव पड़ने लगता है, हमारे रिश्ते पे, हमारे हाव भाव में, हमारे परिवार के जनों में, हमारे दोस्तों के बीच में, हमारे दूर के रिश्तेदारों के बीच में काफ़ी गलत चीज़ें हमारे बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए? तो जो भी मरीज़ नशे के लत में जुड़ा हुआ है और इससे निकलना चाहता है तो वो आकर के हॉस्पिटल में प्रॉपर गाइडेंस लेकर के ट्रीटमेंट स्टार्ट करे। हमारे ट्रीटमेंट प्लान में इस तरीके से होता है कि हम सबसे पहले उसको डायग्नोस करते हैं कि कौन सा नशा उसके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, तो हम उसको सबसे पहले उस चक्रव्यूह से निकालते हैं, उसका सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, पहले उसको दवाइयाँ देते हैं,
कुछ जांचें करते हैं, देखते हैं कि उन जांचों में क्या क्या गड़बड़ी आई है, उसके आधारित हम अपना ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट में अगर हमें लगता है कि अगर मरीजों को ओपीडी के माध्यम से ही दवाई में वो ठीक रहेगा तो हम ओपीडी के माध्यम से कर देते, या फिर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर ये होता है कि हम उसको एडमिट करें, अच्छे से प्रॉपर डायग्नोस करके उसका इलाज शुरू कर सके। तो अब तक मैंने इतना समझाया कि नशे का सेवन करना हमारे शरीर और सामाजिक और हमारे मानसिक पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालता है, पर क्या ये सिर्फ केवल मानसिक और शारीरिक तक ही लागू है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे परिवार में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ होती हैं, हमें परिवार वाले निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उसमें डाइवोर्स आने का, यानी कि उनमें वो अलग होने की बात आ जाती है, या फिर एक दूसरे पे अपना भरोसा छोड़ देते हैं, बहुत सारे लीगल इश्यूज यानी कि डाइवोर्स हो जाता है, बहुत सारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है जो कि बहुत ज़्यादा खर्च करने के बाद अपना सारा सेविंग्स ख़त्म कर देते हैं और एक वो बहुत ही डेप्ट पर आ जाते हैं, मतलब कि उन्हें लोगों से इतना जाता है कि लोगों से उधार मांगना पड़ जाता है। तो इन सब चीजों से निकलने के लिए सबसे बेटर है कि आप एक प्रॉपर गाइडेंस लेकर के आप एक साइकेट्रिस्ट, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट से मिलिए और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान करके उनका इलाज शुरू करिए। एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारे सरकार ने काफ़ी सारी सुविधाएं भी उपलब्ध करी हुई हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स में प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना, डी एडिक्शन सेंटर्स का नए नए डी एडिक्शन सेंटर्स खोले गए हैं, वहाँ पर मरीज़ों को मदद किया जा रहा है। तो डी एडिक्शन सेंटर का मतलब ये होता है कि ऐसे मरीज़ जो बहुत हद तक नशा कर रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उन मरीज़ों को या उन लोगों को मदद करना, उनको ऐसे सेंटर्स पर लेकर के आना और काउंसलिंग करना और तरीके से ट्रीटमेंट दे करके उनको कम से कम 3 महीने या 12 महीने या 1 साल तक उनका प्रॉपर इलाज चलता है। और एक बार जब डी एडिक्शन सेंटर का रोल ख़त्म हो जाता है तो फिर वो प्रॉपर फॉलोअप में आए।